जी सर, बढ़िया सर। अच्छा, तो क्या चल रहा है? किस प्रयोजन से आपने फोन किया था? वो अग्रवाल थे ना, कैप्टन जी, कैप्टन अग्रवाल, उनका नंबर आपने नहीं भेजा है मुझे? अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं आपको मैसेज किया है उन्होंने व्हाट्सएप पर। ठीक तो आई माइट हैव मिस्ड। एक बार आप उनका नंबर आप भी भेज दीजिए, मैं देख भी ठीक ठीक लूंगा उसको, क्योंकि ठीक ठीक मैं भेज कहीं ना दूंगा। कहीं शायद हमने उसको मिस किया है। हाँ, हो जाता है, इतने ज्यादा वर्क नहीं, होते एक्चुअली हैं। मैं व्हाट्सएप मैसेज देख ही नहीं पाता हूँ, बिकॉज इतने ज्यादा जी आते हैं जी तो जी जी वो मैं उनको वन वे कम्युनिकेशन के लिए ही यूज करता जी हूँ। जी जो मुझे जी कहना होता है वो कह देता हूँ। यदि जी किसी को मुझसे कुछ कहना है तो वो फिर मुझे फोन करके याद दिलाएगा कि मैंने कुछ भेजा है, तो फिर मैं देख लेता हूँ। नहीं 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 सर, ठीक ठीक सर। अच्छा चलिए, और कैसा और सर चल रहा है बढ़िया अभियान में? अभियान में सर बढ़िया है। कल एक IAS रिटायर्ड हैं, हरियाणा, वहां पर रहते हैं सर, गुड़गांव में, हाँ, आरती गुप्ता करके नाम है, कल ही बात हुई हमारी। अच्छा, ओके। तो आरती मतलब सीजे लेडी ऑफिसर? हाँ, IAS रिटायर्ड हो गए हैं, नहीं, आरती जेंट्स हैं लेडीज हैं? जेंट्स हैं, RP गुप्ता, अच्छा, ओके 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 तो उनसे बात हो रही थी। वो बताए कि हमारे यहाँ जो है हर महीने की आखिरी तारीख को वही ये प्राकृतिक नेचुरल तरीके से यज्ञ वगैरह होता है, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बहुत उसमें ही अच्छी बात है। हाँ हाँ मतलब ये गाय और ये तमाम चीजों को जानकारी भी दी जाती है। तो उन्होंने देखो कहा जी साहू जी, एक चीज अपन जी को समझना पड़ेगी कि जी आपके पास जागृति करने का और उसका समय नहीं है, ठीक है ना? जी जी अब जी एक तो होता है कि धीरे धीरे करते रहे, जागृति आ जाएगी, चारों तरफ फैल जाएगी, एक जी तरीका ये जी हो जी सकता है, ठीक है ना? जी जी हाँ सर दूसरा तरीका ये है कि हम उसको जी जमीन पे उतारने के लिए एक जी बहुत ही पावरफुल तरीके से उतारे, ठीक है ना? और जी जब मैं इस तरीके की बात करता हूं तो एक बात मैं जरूर कहता हूं कि जब आप जी सोने की चिड़िया थे तो क्यों थे? क्योंकि जी आपके द्वारा बनाई हुई या पैदा की हुई हर चीज सोने के भाव से बिकती थी, राइट? जी 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 हाँ, तो उसके कारण जो है जी आप सोने की चिड़िया बने क्योंकि आपके पास सोना अकूत पहुंचा, राइट? जी अब समय है कि हम पुनः अमृत पैदा करें और उसे जी सोने के भाव में बेचें, राइट? राइट भारतीयों को तो बेचें 2 MSP और 3 MSP के बीच में, ठीक है ना? जी और विदेशियों को 10 MSP से 100 MSP के बीच में बेचें, ठीक है ना? डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ग्रेडेशन, राइट? और यदि आपने सच में अमृत पैदा किया है तो इस भाव में बिकने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट? बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? अब सवाल ये होता है कि इस सब चीज को करने के लिए पूरा इकोसिस्टम चाहिए। हाँ एक सर प्रोडक्शन का चाहिए, राइट? आप प्रोडक्शन में जो अज्यूम करिए कि यदि आप 4 तरीके के फल लगाना चाह रहे हैं तो 4 तरीके की आपके पास नर्सरी होना चाहिए जिससे हर कोई अपने स्पेशलाइज जॉब में लगा रहे, ठीक है ना? हाँ सर फिर ढेर सारी जो है ना, यदि आपका कहना है कि हर खेत पे गौशाला हो तो कितनी जी गायें चाहिए होंगी? वो गायें पैदा करने के लिए बहुत ही फोकस जो है अपन को इंटेंस वो करना पड़ेगा, राइट? जी यदि जी आज आप केमिकल फर्टिलाइजर से निजात भी पाना चाहें तो आपके पास गोबर खाद है कहाँ? बिल्कुल राइट सर क्योंकि है ना। देखिए, मतलब आप बिना समाधान के कुछ कह के यदि जनभावना को प्रभावित भी कर देते हैं और जो हमारी मिट्टी ऑलरेडी मृत प्राय हो गई है, यदि आप उसे जी जागृत नहीं कर पाते हैं तो आपने दोनों तरफ से नुकसान कर दिया। बिल्कुल अमृत भी सर पैदा नहीं होगा और वो कम भी पैदा होगा। जी सर आपको ज्यादा भी पैदा करना है और अमृत भी पैदा करना है, तो जी सभी जगह के लिए गौशालाओं के लिए वी हैव टू हैव ए बिल्कुल इंटीग्रेटेड व्यवस्था होना चाहिए। फिर इन जी गौशालाओं को बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राइट? जब आप कह जी रहे हैं कि उसमें ध्वनि यंत्र भी लगेंगे, आपका जो है हवन यंत्र भी लगेंगे, गायों को स्नान करने के लिए स्नान जी यंत्र भी लगेंगे, तो जी इन सब चीजों को करने के लिए जो अभी लोग कर रहे हैं उन्हीं, जी
अच्छा फिर इसके आगे क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम लाना पड़ेगा राइट, जो कि IoT डिवाइसेस से हो जी जी। फिर आपका पैकेजिंग स्मार्ट होना चाहिए, लोडिंग अनलोडिंग स्मार्ट होना चाहिए, देन आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो CFP का होना चाहिए। फिर इस चूंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन की इफिशियंसी हो तो फुल लोड मूव करे जहां मूव करे, तो यदि आप ऑर्डर ड्रिवन भेजेंगे तो फुल लोड नहीं होगा वो राइट, इसका मतलब है कि एंटीसिपेटेड रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वांटिटी शुड मूव इन द वेयर हाउसेस राइट, एंड वहां पे एक लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो राइट। अब आपने ऑर्डर किया और दो मिनट में आपका पहुंच गया क्योंकि वो लोकल वेयर हाउस से निकला और आपके दरवाजे आपको घर पे जो ना डिलीवर हो गया राइट। आपको लग रहा है कि क्वालिटी कमजोर है तो वो क्वालिटी भी चेकिंग के लिए आपने बटन दबाया, टीम पहुंच गई राइट जी राइट। और जो क्वालिटी बताई जा रही है यदि वो क्वालिटी नहीं होती है तो वो चीज जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी और जहां से आई है वहां पे 10 गुना जो ना उसकी पेनल्टी लगेगी राइट। जिससे कि अभी क्या है कि हर कोई गड़बड़ी करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो चैन में किसी की गड़बड़ी करने की स्थिति नहीं होना चाहिए, चैन की इफिशियंसी बहुत हाई होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होना चाहिए और अभी बीच की जितनी भी गड़बड़ियां और बदमाशियां हैं वो गायब हो जाना चाहिए, तो हम विद इन कंट्री बहुत इफिशियंसी ला पाएंगे और हम कंज्यूमर को अमृत तुल्य चीजें बहुत ही रीजनेबल रेट पे अवेलेबल करा पाएंगे क्योंकि भारतीयों से तो वो नहीं कमाना है ना राइट राइट। और फिर जो है इतना प्रोडक्शन होना चाहिए अमृत तुल्य चीजों से कि उनको प्रोसेस फॉर्मेट में भी और रॉ फॉर्मेट में भी एज पर द रिक्वायरमेंट वैसे कोशिश की जाए कि उनको प्रोसेस फॉर्मेट में ही ज्यादा भेजा जाए राइट जी राइट। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो होंगी जिनको आप CFB FPO कहते हैं, CFB फार्मर ऑर्गेनाइजेशन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके माध्यम से बहुत सारा जो है इंडस्ट्रीज लगेंगी और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट वो रूरल एरिया में पैदा होगा। तो इसके पीछे एक सोच ये भी है कि इसके लिए जो एक सोच ये है कि जो अभी अर्बन एरिया में स्लम एरिया डेवलप हो रहे हैं जब उससे बेहतर और ज्यादा पेइंग रोजगार आपके गांव में होगा तो लोग शहर में जो ना गंदी जिंदगी जीने के लिए क्यों आएंगे जी सर जी राइट। तो ये एक साथ सैकड़ों प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आपकी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, पानी को जो है ना 8 फीट पे ले आएगा तो पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो सब चीजें एक साथ सॉल्व हो जाएंगे जी है कि नहीं। तो अब इसमें जो है अपन को जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन स्टेक होल्डर जो सामने दिख रहे हैं आगे चल के तो स्टेक होल्डर आपके बढ़ते जाएंगे ठीक है ना, कम से कम चैन में इतने लोगों को साथ में लाना होगा। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना होगी कि जो आज की डेट में जैसी चल रही है चीज वैसी नहीं चलेगी, हर इक्विपमेंट और उपकरण पे IoT डिवाइसेस होंगे, RFID डिवाइसेस होंगे, GPS डिवाइसेस होंगे राइट राइट। और जो प्रोडक्ट रहेगा उसमें फार्मर का जो फील्ड उस सब की भी जो है ना उसमें वो रहेगी ठीक है ना जी जी जी। तो अब साहू जी आप बढ़ जाइए एकदम जोर से और सभी स्टेक होल्डर्स को फिर उनके नेशनल प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और ब्लॉक प्रेसिडेंट एंड देन गांव पे जो है ना उसका वर्कर या वॉलंटियर वो पैदा करना होगा और ये सब लोग भी बहुत ज्यादा जो है ना माला माल हो जाएंगे ठीक है ना जी जी। तो ज्यादा सख्ती से बढ़ना पड़ेगा क्योंकि यदि आप अपने देश की का फेस एंड फेट बदल रहे हैं जी, तो फेस एंड फेट जो है वो कम एनर्जी से और कम गति से नहीं बदला जा सकता है जी जी। तो जरा ज्यादा तेज गति से सभी स्टेक होल्डर पे जो है ना जुड़िए, जितने स्टेक होल्डर्स के हमने नाम लिए हैं और हम उनका एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बनाएं राइट जी। और ये इस काम को करने के लिए जो इसको LIC के मॉडल की हम बात कहते हैं ठीक है ना, तो वो चाहे अदरक की स्ट्रॉन्ग अदरक की चाय है ना, मैं थोड़ा ज्यादा अदरक लेता हूँ है ना, बस पे चाय लेके निकलेंगे अपन है ना। चलिए ओके हाँ सॉरी।
तो इसमें जो है LIC के मॉडल है, शुगर की अगर गुड़ हो तो आप भी अच्छी चीज है ना, यदि हो तो, है ना। जनरली हम शुगर लेते नहीं हैं, गुड़ लेते हैं उसी जगह पे। सॉरी, अच्छा चलो अभी आ गया है तो कि इसको यहीं रख दीजिए क्योंकि अभी हम लोग निकल रहे हैं, है ना। तो जो ये मॉडल है इस मॉडल में, हाँ कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे इंडस्ट्री तमाम लगाने के लिए वर्तमान लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। आप इसलिए तो क्या कह रहे हैं अपन कि CFB आपका ज्वाइंट वेंचरिस्ट होगा, आपको कुछ नहीं करना है, CFB सब करेगा। अच्छा, और CFB किसके माध्यम से करेगा? इन्हीं ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से। इनके लिए संसाधन इकट्ठे करने के लिए चार अलग से मॉडल हैं, राइट? अच्छा, राइट। देखिए हमारा मानना यह है कि यदि आप सामने वाले को सब चीजों की व्यवस्था करने की बात कहोगे तो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हाँ हाँ, ये बात राइट। यदि आप सब व्यवस्था कर देंगे तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा, राइट राइट। तो चूंकि यदि हम सोच पा रहे हैं तो हम वो कर पाएंगे। आप बात समझ रहे हैं ना मेरी? जी जी सर, मैं समझ रहा। इसका मतलब क्या है कि आप इन सब चीजों को नया पैदा नहीं करेंगे, ठीक है ना। यदि नए पैदा आप करना भी है तो उनको बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे जो एग्जिस्टिंग है उनको पार्टनर बनाएंगे, राइट। और उनको पार्टनर बनाने के लिए उनको तीन कैटेगरी में बांटा है, स्मॉल, मिडिल और बड़ा, ठीक है ना जी। और जो इसका ज्वाइंट वेंचर करेगा उसको बड़े का करेगा तो उसको 10,000 मिलेगा, यदि मिडिल का करेगा तो 5,000 मिलेगा और छोटे का करेगा तो 3,000 मिलेगा, राइट। और अगले साल उसका 10% एज ए एनुअल रिन्यूअल ग्रांट भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो लोग आपके लगे हुए हैं वो सेतु का काम करते रहें और उस चीज को आगे बढ़ाएं, राइट। अब यदि अपन एक थोड़ा सा इस अंदाज से सोचें, अच्छा शुरू में आपको अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि दूध का जला जो है वो छाछ को फूंक के पीता है। आज पब्लिक के जो इतने भी एहसास हैं, जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो बहुत गंदे एक्सपीरियंस हैं। एकदम राइट सर, है ना। लेकिन जब आप बार बार जाएंगे, एनिमेटेड फिगर लेके, एनिमेटेड फिल्म लेके जाएंगे, कैसा आपका फार्म हाउस देखेगा, कैसे चलेगा ये, और उसके उसको कुछ नहीं करना है, उसको ना वर्कर की व्यवस्था करना है ना उनकी मशीनों की व्यवस्था करना है, तो अपना कुछ ना लगे, कहते हैं ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए। अब यदि हींग और फिटकरी उसकी नहीं लगेगी तो उसके पेट में दर्द नहीं होगा, राइट राइट। और इस पूरी प्रोसेस में 20-80 की पार्टनरशिप है, राइट। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जो कॉस्ट है आपने कॉस्ट को अलोकेट कर दिया अलग, राइट। तो आप कॉस्ट की को अलग से उसके लिए धन की व्यवस्था कर रहे हो और अलग से उसको सेटल कर रहे हो, तो इससे क्या है, प्राइसिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट जी, राइट। कॉस्ट आप डिफरेंटली सेटल करेंगे और कॉस्ट का बड़ा हिस्सा आप सेटल करेंगे जब अमृत तुल्य चीजों को आप बहुत ज्यादा भाव पे बेच पाएंगे विदेशों में, राइट। तो मालूम पड़ा कि वो आपका कॉस्ट सेटलिंग में नॉट टेक मोर देन ए ईयर, राइट जी, राइट। और 5 साल तक नहीं सेटल होता तो नहीं सेटल होने दिया जाए, क्या दिक्कत है, क्योंकि जब आप अमृत पैदा करोगे और लोगों को विश्वास हो जाएगा कि अमृत पैदा हो रहा है तो लोग अमृत के लिए तो लाइन लगाएंगे। और विदेशियों का तो जो ना बुरा हाल है, वो तो बीमारियों से ही सफर कर रहे हैं, मोटापे से लेके हर चीज की बीमारियों से वो हैं, स्ट्रेस से वो घिरे हुए हैं जी। तो रूरल टूरिज्म की जगह दे विल बी, जो कहते हैं ना मेडिको टूरिज्म, तो दे विल बी मेडिको टूरिज्म फॉर द रूरल एरिया ऑफ इंडिया। ये सब डूएबल है, लेकिन इसमें काम करने का जो पेन है वो पब्लिक के पास नहीं जाना चाहिए, उसकी उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका सेटअप, उसका सब कार्रवाई। जैसे आप एक सिम लेते हैं, ज्वाइंट वेंचर उतनी देर में पैदा हो जाएगा जितनी देर में आप सिम लेते हैं, राइट राइट।
तो हर तरीके के जॉइंट वेंचर की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग अलग रहेगी, राइट? आपको जो जॉइंट वेंचर के लिए क्रिटिकल डाटा है, जैसे ही आपका वॉलेंटियर ने वो डाटा लिया, बैकएंड इंजन ने जो है ना आपका जॉइंट वेंचर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया विद इन नो टाइम, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. आपने जो है ना किसान ने या जो भी है जिस एरिया का वो जॉइंट वेंचर है दूसरे एरिया, उसने साइन किए, यहां से सीएफबी के प्रभारी ने साइन किए, वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल डॉक्यूमेंट बन गया. अच्छा, तो जमानी जमा खर्च कोई नहीं है, इट इज अ वेरी साउंड सिस्टम. और देखा जाए तो ये बिना सरकार के सिस्टम है, ठीक है ना जी? क्योंकि सरकार तो अपने कामों में जो है ना, या अभी काले अंग्रेज बने हुए हमारे, वो तो जो है ना भ्रष्टाचार में नपे तोले हुए हैं, राइट? राइट, वो जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें कोई तालमेल नहीं होता है, और यदि वो करते भी हैं तो उसमें बहुत कुछ जो है वो होता है. अच्छा सर, ये जो सबमिट करते हैं जैसे हमें यमी करने वाला है 10 दिसंबर को दिल्ली में, कल ध्रुव अग्रवाल जी से बात हो रही थी, तो इनका क्या लक्ष्य रहता है? ये सबमिट करके सिर्फ अपना फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे कि इसमें इसको कुछ धरातल पर, यानी कि देखो यदि आपने एंड टू एंड सॉल्यूशन डिजाइन किया है तो एंड टू एंड सॉल्यूशन जमीन पर उतरेगा जी. यदि आपने कहा है कि मुझे गौशाला करना है तो गौशाला पैदा होंगी. यदि आपने कहा कि हमें हॉर्टिकल्चर करना है, मेडिकल का जो है ना प्लांट लगाना, ये करना, तो जो करोगे वही कर पाओगे ना. और जितना सोचोगे उसका भी इफिशियंसी के हिसाब से उसका कुछ हिस्सा ही आप शुरू में कर पाओगे. तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एंड टू एंड सॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर पाते हैं, नंबर वन. दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि एक व्यक्ति आता है, वो छोटी सी समस्या को लेता है और उसका सॉल्यूशन बनाता है. उसके पहले की समस्याओं का क्या होगा, उसके बाद की समस्याओं का क्या होगा जी? तो जब तक आपका सॉल्यूशन एंड टू एंड नहीं है, राइट? यदि आपका एंड टू एंड सॉल्यूशन है और जितनी भी समस्याएं हैं वो सामने वाले को जूझना ना पड़े, तो आपका मॉडल बहुत फास्ट दौड़ेगा. यदि आप ज्ञान दोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप करें हम आपको ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं, जिसको जो चीज देना है, यदि वर्कर को कुछ देना है तो वर्कर को वो चीज सिखाई जाएगी जो वो कर रहा है, राइट? कल यदि वो वर्कर दूसरा काम करेगा तो उसकी 3 या 5 दिन की ट्रेनिंग कब दे देंगे? उसको 3 महीने का कोर्स देने की क्या जरूरत है जी? अब बात समझ रहे ना जी? और जो चीज जैसी है उसको वैसा ग्राह्य नहीं करना है, नंबर वन. जो छोटी मोटी चीजें तो एज इट इज लगा देना है, जैसे GPS, RFID, IoT डिवाइसेस तो लगा देंगे, राइट? जिससे कि आप आदमियों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मशीन सीधे कम्युनिकेट करेगी कि उसने किया क्या है, ठीक है ना जी? और फिर उन मशीनों को इंडियन हालातों के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा. क्योंकि आप वर्टिकल फार्मिंग में भी जा रहे हैं, तो वर्टिकल फार्मिंग में करने के लिए हमें स्पेशलाइज वर्टिकल मूवमेंट वाली मशीनें चाहिए होंगी, राइट? तो जो मशीनें नहीं है उन मशीनों को डिजाइन किया जाएगा. मतलब आपकी सोच अभी जो सॉल्यूशन उपलब्ध है वहां तक सीमित नहीं है. तो अभी काम ये करना है कि जिनके फील्ड के, हर फील्ड की एक सूची बनाई जाए, ठीक है ना, कि सब इतने फील्ड हैं, और उन फील्ड के जो आज के तपस्वी हैं उनकी सूची बनाई जाए और उनसे उनके फील्ड की बात की जाए. उन्हें पूरा ज्ञान ना दिया जाए, उनको पूरा ज्ञान थोड़ा बहुत दे सकते हैं कि ऐसा चलेगा, लेकिन उनसे उनकी रिलेटेड बात की जाए जी, ठीक है ना? जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के, एग्रीकल्चर जो है ना, इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं उनसे कैसे मशीन इक्विपमेंट और टूल को रीडिजाइनिंग करना है उस पर बात की जाए जी. हमें एक नया इकोसिस्टम ही बना के जमीन पे उतारना होगा, वो भी बिना सरकार के. क्योंकि सरकार तो जो है ना हर चीज को वोट के नजरिए से कहती है, राइट? या जो उनको सरकार को पैसा देता है उसके जो है ना इंटरेस्ट को ध्यान में रख के देती है. जैसे मान लो किसानों का जो अभी जो 3 एक्ट थे उसमें प्रॉब्लम ही यही थी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपने बीज लाएंगे तो आपके बीज खत्म हो गए, आपको उन्हीं से बीज खरीदना है, राइट? और फिर विष पैदा करके देना है, और विष पैदा करोगे और विष ही जो है ना खाने को मिलेगा. तो आप तो नेगेटिव चीज को ही रीइन्फोर्स कर रहे हो ना. उन्हें क्वांटिटी से मतलब है, उन्हें क्वालिटी से मतलब नहीं है, राइट? जिससे वो ज्यादा बेच पाए, तो कौन इसको देखेगा? इज इट मेकिंग सम चेंज? बेटे बाहर चाय पीते हैं?
बाहर कुर्सी लगाओ, बाहर बैठ के लेते हैं ना, यहाँ रूम के अंदर बैठ के क्या चाय लेना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी जी। तो इसमें मेरे ख्याल से संगठन अपन बनाए जी, वो संगठन हर फील्ड का अलग अलग संगठन होगा, उसका नेशनल प्रेसिडेंट होगा, उसके जो ना स्टेट प्रेसिडेंट होंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स होंगे, राइट। और वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत जल्दी फैलाव करके इकोसिस्टम क्रिएट करें, राइट। और जहां का इकोसिस्टम पहले पैदा हो जाएगा वहां पे काम करना चालू कर देंगे, क्योंकि बिना इकोसिस्टम के आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको ये बात ठीक लग रही है मेरी? नहीं, बहुत सर बढ़िया लग रही है ना। तो मेरा सोचना है कि सबसे पहले तो एक काम करो कि ढेर सारे साहू जो है ना इकट्ठे करो। साहू का मतलब है द पीपल दोज यू आर हैविंग द सेम एनर्जी सेम थिंकिंग। साहू का मतलब यहाँ कास्ट से बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं वो समझ रहा हूँ आपकी बात। पानी तो वो मतलब इसलिए मतलब यहाँ साहू का मतलब है कि पर्सन हु आर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, राइट, नॉट फ्रॉम कास्ट एंगल, राइट। और फिर जो है हर क्षेत्र के जो है, जैसे मान लो आज मैं अभी यहाँ पे आया हूँ रायपुर भिलाई में, यहाँ ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग ले रहे हैं, हम यहाँ पे बिजनेसमैन की मीटिंग ले रहे हैं जी, क्योंकि उन सबको इसका हिस्सा बनाया जाएगा जी। इसमें सीएफबी किसी चीज को खुद परचेज नहीं करेगी, इट विल बिकम पार्टनर विथ एवरीबडी। भगवान भी जो है ना सभी के कहते ना गॉड पार्टिकल, तो सब में ही समा जाओ ना जी। यदि आप जो है जो ऑलरेडी हैं उनको लेके फिर आप आगे बढ़ोगे तो ये लोग भी जो है ना हिस्सा बना रहेंगे, और जो आप अमृत पैदा करने वाले हैं उसका लाभ सभी को मिलेगा। बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो इसमें जरा शक्ति के साथ बढ़ना चालू किया जाए, और हर जो है स्टेक होल्डर्स के लिए एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे जिसका जो एरिया है वो उस एरिया में भिड़ जाए जी। और नेटवर्क क्रिएट करे और इकोसिस्टम क्रिएट करे, जहां लग गया कि पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है वहां वहां पे उसे लॉन्च कर दिया जाए जी। ठीक है ना जी। कुछ बात जम रही है? नहीं सर, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और सर मैं ये कह रहा था कि इसे अगर दिल्ली 10 दिसंबर को कार्यक्रम है, अब भाई देखो जो कार्यक्रम कर रहा है वो इनवाइट करे तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा, ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि मैं जबरदस्ती घुस रहा हूँ। नहीं, वो बात तो सही कहा आपने। यदि वो इनवाइट करेंगे तो मुझे बोलने का स्पेस मिलेगा, राइट राइट। नहीं तो फिर मैं उनकी बकवास सुनने तो नहीं आ रहा हूँ। सही कहा आपने। नहीं, उसका रीजन ये है कि देखो तुम किसी सोच से चल रहे हो, वो सोच जो है ना उतनी लिमिटेड रहेगी ना। हम वहां जाएंगे तो इस बात में जाएंगे कि क्या हम एक स्टेक होल्डर को एड्रेस कर रहे हैं क्या। यदि सभी को नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे रायपुर में हम ट्रांसपोर्टर को एड्रेस कर रहे हैं, तो एक स्टेक होल्डर को एड्रेस कर लिया ना, व्यापारियों को आपने एड्रेस किया, तो जो रिटेलर और होलसेलर हैं उनको आप प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए आप समाधान इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि एक बार वो आपका हिस्सा बन जाएंगे तो कोई भी तंत्र उनको तंग नहीं कर पाएगा, कोई उनसे वसूली नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि क्राइम फ्री भारत का मॉडल उनको ऐसा चिपकेगा ना कि उनको अपना जीना मुश्किल हो जाएगा जी। जी, जी। आपकी स्ट्रेंथ जो है, जो आप कर रहे हैं उसके साथ साथ आपकी सीएफबी इज योर स्ट्रेंथ, जो कह रही है कि सरकार के लिए भी आगे चल के संभव नहीं होगा कि वो एफआईआर दर्ज ना करे। यदि सरकार ऐसा करेगी तो वो अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर रही है, वो आर्टिकल 356 में उसे गिर जाना होगा जी। तो जैसे सर ये नेचुरल चीजें जिसे एक तरह से बिजनेस बाबा रामदेव ने जो संभाला है कि लोगों को पहले उन्होंने योगा सिखाया। देखिए, जो लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं हर फील्ड के लोगों को अपन को खोजना पड़ेगा, जैसे गौशाला है। मैं ये कह रहा था सर कि जैसे लोगों को अपनी बात समझाने के लिए हमें कुछ एक अलग से सेंटेंस मतलब चीजें लेके चलना पड़ेगा कि जो उनको पहले मोटिफाइड किया जाए। देखो ऐसा है, हाँ, अगर हम डायरेक्ट किसी के पास देखो साहू जी, इसको इस ढंग से समझने की कोशिश करो जी।
उसको इस ढंग से समझने की कोशिश करो कि जो कुछ भी हो रहा है हम सब जो है निमित्त मार्ग हैं, वी आर जस्ट जो है एजेंसी चोजन बाय द गॉड टू डू सर्टेन थिंग्स राइट। तो यदि कॉस्मोस कुछ कराना चाहती है तो वो उसने ऐसे बहुत सारे लोगों को चुना होगा कि नहीं चुना होगा, हाँ या नहीं? जी चुना होगा ऑलरेडी। और यदि प्रकृति इस काम को कराना चाह रही है तो प्रकृति ने आज नहीं चुना होगा, आज के 50 साल पहले 40 साल पहले चुना होगा। इसका मतलब है कि हमें दूरबीन लगा के उन सब लोगों की सूची बनाना चाहिए जो इसके तमाम फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए, उनसे पहले 1-to-1 बात की जाए, फिर जो है ना चर्चा करके उनको एक जगह ला सकते हैं। या कई बार क्या होता है कि जो ज्यादा अपने काम में वो हो जाता है उसे दूसरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है राइट? तो उसको इस बात की चिंता नहीं होती कि हम जुड़े और हम ऑर्गेनाइजेशन बनाए राइट। लेकिन चूंकि ये चिंता अपन को हो रही है तो यदि वो कंफर्टेबल नहीं है तो वहां जाके यात्रा करें, मैथिली शरण गुप्त उसके पास पहुंचे और रहें उसके साथ 2-3 दिन राइट। और फिर उसकी भूमिका उसकी शर्तों में की जाए राइट। देखो ईश्वर ने यदि उसको पर्टिकुलर ढंग से बनाया है तो उसकी उसी ढंग को हम कैसे सीएफबी में इंटीग्रेट करें, ये हमारी सोच होना चाहिए। बदल के करोगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी राइट। और ईश्वर ने यदि उससे कुछ इतने समय तक 40 साल तक कराया है तो उस ढंग से कराने के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होगा राइट। तो उसको मॉडिफिकेशन बहुत लिमिटेड होना चाहिए ठीक है ना। और जब सभी लोगों का कुछ ना कुछ पार्ट में स्पेशलाइजेशन आएगा तो कुल मिलके वो बहुत ही बड़ी चीज हो जाएगी राइट। तो मुझे लगता है कि पहला काम होता है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करें राइट, उनको कहें कि साहब जो है ना गुप्ता साहब आपको खोज रहे हैं राइट, और हमें बताइए कि साहब जो है ना ये साहब हैं ये काम कर रहे हैं, आप इन्हीं को खोज रहे हैं, आपको मालूम नहीं है कि आप इन्हीं को खोज रहे हैं ठीक है ना। तो जैसे हिंदी में, अगर हिंदी में सर इनको नाम देना होगा, जैसे भी एक गुजरात के हैं मनसुख भाई, वो जल क्रांति का नाम दिया है, जल क्रांति मिशन। हम तो ये कह रहे हैं मॉडल टू क्रिएट मूव फ्रॉम स्केर्सिटी टू अबंडेंस, वर्तमान कृपणता से समृद्धि की यात्रा। अच्छा ये नाम होगा हेडलाइन। हाँ हाँ, विश्व से अमृत की यात्रा, विश्व से अमृत की यात्रा। अभी तो आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो क्वांटिटी को भूल जाइए, आप तो विश्व पैदा कर रहे हो, उतने ज्यादा कैंसर पैदा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यदि आप कम पैदा करोगे तो कम से कम उतने कम कैंसर होंगे। बिल्कुल सर। तो अभी तो आप विश्व कह रहे हो तो विश्व से अमृत की यात्रा है ना। और फिर अमृत को भारत में तो जो है 2 MSP और 3 MSP पे बिकेगा, विदेशों में ये 100 MSP पे बिकेगा भाई। बिल्कुल बिकेगा सर, लेकिन और उसको बेचने के लिए भी हम अपना शिपमेंट रखेंगे, वहां के लोगों से पार्टनरशिप करके उनके वहां पर, जैसे अपने यहाँ का सिस्टम होगा ऐसे ही वहां का सिस्टम होगा, वहां भी सीएफबी का बोर्ड लगा होगा। अच्छा सर, सीएफबी क्या क्या काम करेगी? सीएफबी का मुख्य काम है क्राइम फ्री भारत, और बाकी जो है ना इट विल फिल द होल गैप एवरीवेयर। तो इसका एग्रो मॉडल होगा, आयुष मॉडल होगा, ई कॉमर्स मॉडल होगा, इसका जो है मीडिया पब्लिसिटी होगा, इसका इन्फोटेनमेंट होगा। जैसे अभी आपका इन्फोटेनमेंट है, ये डी कंपनी और इंडिया डिवाइडिंग फोर्सेस ने, इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस ने कब्जा करके रखा है। वो आपको सब घटिया चीजें परोस रहे हैं, वो आपको जो है ना पोर्नोग्राफी परोस रहे हैं, वो आपको लिविंग रिलेशनशिप परोस रहे हैं, वो आपको कंस्पायरेसी कैसी हो उसको परोस रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीजें परोसने के बावजूद भी ब्लेम आपको दे रहे हैं कि साहब आपकी टीआरपी खराब है। हमारी टीआरपी रामायण और महाभारत से देखिए, जब कर्फ्यू लग जाता था राइट। तो ये लोग अपना चरित्र लिख रहे हैं, क्योंकि इनका यदि व्यक्तिगत हम रिसर्च करेंगे तो इनका अपना चरित्र भौड़ा है जी। ये लिविंग रिलेशन में है, ये कंस्पिरेसी के रिलेशनशिप में है। तो ये दो तरीके से लिख रहे हैं, या तो इनको लिखवाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं डी कंपनी एंड इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस के द्वारा, या ये अपना चरित्र लिख रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अपना चरित्र ही लिख सकता है, उसे दूसरे का तो मालूम नहीं होता जी। तो
आपको जो है ना इन्फोटेनमेंट में जाना पड़ेगा, आपको पूरा देखिए आपको वो इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा और इनको अपने में मिलाते हुए। पर मेरा एक उद्देश्य ये कहना था, जैसे हम लोग निचले स्तर से सोच रहे हैं, अभी जैसे दुबई में रक्षा डिफेंस का एक्सपो लगा, तो कम से कम वहाँ पर 500 करोड़ रुपए तो खर्च किए गए होंगे सरकार ने। देखो सरकार को अपनी पब्लिसिटी करना नहीं, है। नहीं नहीं, वही मैं ये कह रहा हूँ कि इन सब कार्यक्रमों का क्या मतलब जनता से है ना, वोट बटोरना, अपनी इमेज बनाना, क्यों नहीं है भाई, लोगों से पैसा इकट्ठा करके वहाँ जो है कार्यक्रम कर देना, ये कहाँ तक सही है, बिल्कुल नहीं चाहिए। देखिए 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 देखिए, आप फिर से देखो मूल पॉइंट पे आ गए हैं, जिस चीज को आप कर रहे हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा उसे आप कुछ हद तक पूरा कर पाएंगे, तो जिस ऑब्जेक्टिव से वो कर रहे हैं उसी को किस हद तक पूरा कर पा रहे हैं वो, जो ऑब्जेक्टिव जो सोच का हिस्सा नहीं है वो कैसे पूरा हो जाएगा, जो सोच का हिस्सा नहीं है जिसके लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हैं वो कैसे हो जाएगा, ये बताओ ना मुझे। प्रयास तो हम अपनी जगह करेंगे, वो अपनी जगह पर करेंगे। नहीं नहीं देखो, मेरा ये कहना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि जहां तक सोच मिलती हो उतना हिस्सा कर लो ना, आपको तो दुनिया का काम करना है, तो एमएसएमई को जितना आप प्रभावित कर सकते हो तो उतना करो, क्या दिक्कत है। हम उनसे कहें कि साहब जो है आप पैकेजिंग में जाओ, क्वालिटी कंट्रोल में जाओ, ये करो, ये हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं, इसमें यदि आप करने के मूड में हो तो क्राइम फ्री भारत इज विथ यू, हम आपसे जो है ना ज्वाइंट वेंचरशिप करेंगे। जब आपने सब जब जिससे सर हमने कहा क्राइम फ्री भारत, तो उनके दिमाग में आया क्राइम सिर्फ एक चीज हो गया, अपराध से संबंधित। देखिए 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 देखिए, मैं देखिए मैं ठहरा पुलिस ऑफिसर, राइट जी, 2017 में मैंने भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था जो कि आज नेशनल पुलिस मिशन है और उसका मैं प्रोजेक्ट लीडर भी हूँ, आज मैं उसका प्रोजेक्ट लीडर मैं ही हूँ, दो मिशन मेरे हैं जिनका प्रोजेक्ट लीडर आज की डेट में मैं हूँ, और वो दोनों माइक्रो मिशन 6 में के तहत नेशनल पुलिस मिशन है, राइट, उसमें से एक मिशन क्राइम फ्री भारत है, और उसका जो लास्ट क्राइम फ्री भारत का जो लास्ट सिद्धांत है रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स। तो जब रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स के लिए हमें कुछ चीजें डेवलप करना थी तो मुझे लगा कि बाकी सामान्य लोगों ने क्या अपराध किया है उनको आप क्यों रिहैबिलिटेट नहीं करेंगे जी। फिर जो है ना बात आई कि साहब जो है ना कैंसर होने वाला है, तो जब हमने इस बात को समझा कि हमारी लगभग 99% पॉपुलेशन कैंसर रिलेटेड चीजों से जो है ना जूझेगी, दिस हैज टू बी द प्रायोरिटी। अभी आपने कोरोना में झेल लिया है, आपके ऑक्सीजन जो है ना और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, राइट, तो उसका जो है ना सॉल्यूशन एक है, जो विभाग जंगल बचाने के लिए है वही जंगल कटवाता है, कुछ लीगली कटवाता है कुछ इलीगली कटवाता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है कि वो देखे कि किस किस को कटवाना है उसको काटता है वो। भाई जो चीज आप काट रहे हो डीके होके यदि नेचर में जाएगी तो इट विल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, राइट, और ऐसे ही जो है आप जो इलीगली कॉन्ट्रेक्टर्स वगैरह से मिलकर कटाई करा रहे हैं तो वो इलीगली हो गया है, तो आपका फॉरेस्टेशन तो बढ़ नहीं रहा है, तो फॉरेस्ट विभाग जो है ना कर क्या रहा है, फिर आपका तो डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है जी। तो ये शासकीय विभागों से के माध्यम से ये चीजें हो नहीं पाएंगी जी। इसके लिए हम सबको जूझना पड़ेगा, और शासन के कारण इसलिए नहीं हो पाएगी कि शासन ने अंग्रेजों के इस तंत्र को अडॉप्ट किया है जी। वो आपके शोषण के लिए बना हुआ है, तो वो दिखाने के लिए तो आपको लग सकता है कि ये साहब आपके भले की बात सोच रहा है, लेकिन हर जगह उसका रेंट सीकिंग बिहेवियर होगा। अब वो जो कोई निर्णय ले रहा है गलत निर्णय ले रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो शासन है या जो समाज है वो हमारा है भाई, हमारे ही समाज के। तो आप जो शासन को ये कह पा रहे हो क्या, उसको तो आप जो है ना महिमा मंडन कर रहे हो, उसके तो आप पैर छू रहे हो, बस वो तो अपना दरबार लगा रहा है, यदि आपने उसे चुना है तो वो उसे आपके दरबार में आना चाहिए ना। तो वही तो बात हो रही थी कि जब भारत में इंडियन डेमोक्रेसी वो संसदीय प्रणाली में है,
इसको देखो मैं आपको ये बताऊं, जहां पे कि पैसे लेके हर कोई बिकाऊ है वहां संसदीय प्रणाली नहीं चलेगी। हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाना ही चाहिए और जाना पड़ेगा। उसके दो कारण हैं। नंबर वन है कि छोटी जगह में तो छोटे चरित्र के लोग इलेक्ट हो जाएंगे, या पूरे भारतवर्ष में जो है ना जो व्यक्ति इलेक्ट होगा वो छोटे चरित्र का हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं सर, संभव ही नहीं है। डू यू एग्री विथ दिस? जी नहीं, नहीं सर, मैं नहीं अग्री। ठीक है, तो एक तो जो है ना फिर वो, और वो जितना भी उसको समय अपन देंगे, 5 साल 6 साल जो भी देंगे, उतने समय के लिए ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस बिजुकाज। जो जो है ना अपने खुद के लाभ के लिए पार्टियां बदलते हैं, जो खुद थोड़े से पैसे लेके और जो है ना कैबिनेट एबिनेट रैंक वैंक और मंत्री बनने के लिए यहां से वहां होके यहां की सरकारें गिराते हैं, वहां की सरकारें गिराते हैं। जी जी, राइट। और ये अच्छा अच्छा मॉडल है कि यदि मान लो वो भी हो गया है कि साहब जो है संख्या कम हो गई तो दूसरे की सरकार बन जाएगी, तो आपका यदि आपका यदि डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पैसा भी मिल गया, टिकट भी मिल जाएगा, बाद में आप मंत्री भी बन जाएंगे। जी जी, तो डिस्क्वालिफिकेशन से वर्तमान प्रक्रिया से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है ना? हाँ सर, मतलब उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, वो तंत्र तो चल ही रहा है। और आपने जो है वो ताशकंद फाइल में देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने पैसे लिए हैं, राइट? तो जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी जो है ना यदि बिकाऊ होंगे जी, तो एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलस्ता करने को, हर साख में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा? जी राइट। हमें देखो सरकार को एक किनारे रख के पहले अपन को अपना काम करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, सरकार से हमारी अपेक्षाएं क्लियर होना चाहिए, राइट? वी विल से कि ये 5 काम पहले करो, ये इसी महीने में करना है, इसी साल में करना है, ठीक है ना? जब 5 कर लोगे तो हम अगली लिस्ट बताएंगे आपको। जी ठीक है ना, पूरी लिस्ट एक साथ नहीं बताएंगे। बिल्कुल, नंबर वन। नंबर टू, हमें ग्राउंड पे उतर के कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। जो बच्चा बहुत शोर मचाता है, माँ बाप को लगता है ये बच्चा तो ऐसा ही करता रहता है, करता रहता है, तो आज की सरकार को ये लगता है कि तो साले नालायक हैं, ये जो है ना 2 मिनट में शांत हो जाएंगे, हम इनके ऊपर केस रजिस्टर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक आध केस में यदि मान लो जो है ना जैसे किसान का जो है ना ऑर्डिनेंस वाला हो गया है, तो एक आध केस में चलो, ऐसा भी कोई निर्णय की बहुत ही जरूरत हुआ अपने लाभ में और हमारे राजनीति और उसके हिसाब से, तो वो भी कर लेंगे। लड़के जरा एक चाय और चाहिए। हेलो। हाँ सर। बेटे एक चाय और चाहिए। हेलो। हाँ सर। तो मेरा सोचना ये है कि हमें रोड पे आएंगे तो बहुत दिक्कत है। देखिए पहला दिक्कत क्या है कि वो आपके बारे में दुष्प्रचार कर सकते हैं, ठीक है ना? दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आपके ऊपर केस ला सकते हैं। तीसरा है आपको फिजिकली हार्म कर सकते हैं। बिल्कुल करेगा वो। चौथा आपके ऊपर जो है आपको यदि गोली चलाते हैं तो ऊपर पहुंचा देंगे वो। जी जी। और आपकी सहन शक्ति को, आपकी करने की क्षमता को जो है ना वो थकाएंगे। आपको थकाएंगे तो आप हार के जो है ना रुक जाएंगे, क्योंकि तो वो जो है इनमें पढ़ने ही नहीं है। यदि आप उनके भाग विधाता हैं तो उन्हें अपने बैरोमीटर लेके घूमना चाहिए ना कि जनता की पल्स क्या कह रही है, राइट? और हमें अपनी पल्स सीक्रेट नहीं रखना है, तो वो हम क्या कहेंगे, उनको मांग करेंगे और उनके जो है ना उनसे कहेंगे जब तक ये काम नहीं करोगे तब तक हम आपके फंक्शन में नहीं आएंगे, ना हम आपको इन्वाइट करेंगे। हम जहां जगह मिलेगी आपको काले बेल्ट दिखाएंगे, जहां जगह मिलेगी आपको काले झंडे दिखाएंगे, राइट? और अपनी जगह से दिखाएंगे, तुम यदि हमारे घर के बाहर निकलोगे तो दिखा देंगे, या जो कार्यक्रम के आसपास की रोड पे नहीं आना है, ठीक है ना? और हम आपको अपने प्रभाव क्षेत्र में घुसने भी नहीं देंगे कि ये करो तब घुसने देंगे, राइट? जैसे कई बार बच्चा जिद करता है ना कि मुझे पहले खिलौना दो तब हम ये करेंगे, नहीं तो हम रोएंगे, ठीक है ना? तो हमें वही जिद कन्वे करना चाहिए। ये तो हमारा हो गया है सरकार को हैंडलिंग का सिस्टम। दूसरी बात है कि इस सरकार की सीमाएं क्षमताएं सीमित हैं, क्योंकि ये सरकार एक्सप्लॉयटेटिव तंत्र के ऊपर बनी हुई है और वो एक्सप्लॉयटेशन आज भी जारी है। इतने क्लिष्ट नियम बनाए जाते हैं और जो जो
जो नियम का पालन जो करना चाहिए वो नियम का साला पालन खुद नहीं करते हैं। आप ये बताइए कितने जो है ना इनकम टैक्स वाले रेड के दौरान जो है ना संपत्ति को अपनी जेब में रख के ले जाते हैं। जी बहुत ज्यादा डकैती नहीं करते हैं वो? बिल्कुल करते हैं सर, बाद में कहते हैं। और ये बताइए कि आप ये बताइए कि जब वो आकलन भी करते हैं टैक्स का तो इतना ज्यादा आकलन कर देते हैं कि जैसे ही आप टर्मिनल के पास जाते हैं तो वो 1/10 रह जाता है। जी यदि किसी ने गलत आकलन किया तो उसे सस्पेंड करके उसकी डी करिए ना, वो इतना नालायक है क्या? उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो तंत्र में जो जहां बैठा है जी, वो गलत निर्णय ले, आप झेलो, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेदारी तो हमारी मांग होना चाहिए कि तंत्र को अकाउंटेबल बनाइए। और हम तो यहां तक भी कह रहे हैं कि इवन जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाइए। यदि जुडिशरी के ही अकाउंटेबिलिटी के लिए जुडिशियल ऑफिसर ही रखे जाए, लेकिन उनको ये पावर दिया जाए कि यदि इन्होंने तथ्यों को अनदेखा करते हुए एक मूर्खतापूर्ण निर्णय दिया है तो इन्हें उसके लिए अकाउंटेबल बनाया जाए। जी मतलब ये अच्छी बात है कि हम जुडिशरी हैं, जो भी उल्टा सीधा निर्णय लेंगे तो इससे पैसे लेके वो कर दिया है। अरे भाई इसी कारण में ये लोग बहुत सारी अच्छी चीजें नहीं होने दे पा रहे हैं, कभी प्राइवेसी का नाम लेते हैं। अरे प्राइवेसी का नाम लेते हैं तो जहां पे वो डाटा है यदि वो लीक करे तो उसको सालों को सूली पे चढ़ाओ ना। डाटा कलेक्ट करने में क्यों दिक्कत है आपको? भगवान ने भी तो अपने पास चित्रगुप्त रखा है कि नहीं रखा है? तो जब भगवान ने जो चित्रगुप्त रखा है तो अच्छा ही काम है ना। जी 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 तो आपके पास भी चित्रगुप्त होना चाहिए, हमने उसका नाम डिजिटल चित्रगुप्त दिया है। तो हमें इस व्यवस्था को और दो अलग अलग चीजें करना चाहिए जी, क्योंकि आपकी इस बकवास के लिए किसी के पास समय नहीं है। जब उसका पेट खाली है तो हमें समृद्धि को भी साथ में लाना पड़ेगा। जी 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 यदि आप पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर चलेंगे जी तो एक पार्टी और पैदा हो जाएगी, एक केजरीवाल और पैदा हो जाएगा। बिल्कुल होगा, ठीक है ना। अच्छा वो केजरीवाल भी कुछ चीजें ठीक कर रहा है, कुछ चीजें वो दुष्टता वाली कर रहा है। अदरवाइज आप ये बताइए कि हिंदी मेजोरिटी में आपको संभाव नहीं मिल रहा है, आप एक मुस्लिम किया जा रहा है उसको 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दे रहा है उसके घर जाके, भैया एक आध हिंदू को भी दे आते? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। मतलब ये ओपनली आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो इस बात पे तो आपकी भर्त्सना होना चाहिए, निंदा होना चाहिए। हम लोगों ने निंदा नहीं की इसलिए हम लोगों ने ये एक काले अंग्रेजों के तंत्र को झेला है। तो हम यहाँ पर सजग बने और वहां पे समृद्धि पैदा करें, और समृद्धि पैदा करने का ठेका जो है ना आप सीएमबी ने लेके रखा है। तो हम सब जगह जा रहे हैं क्योंकि हम उस स्वप्न को देख पा रहे हैं, तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जी 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 वो किसी दूसरे की तो सोच का हिस्सा नहीं है ना वो? बिल्कुल नहीं। कोई दूसरा छोटा सोच रहा है वो छोटा करेगा, कोई एमएसएमई की मीटिंग करेगा, कोई कुछ करेगा कुछ, तो वो आइसोलेटेड छोटे से काम चलेगा क्या? और ये सेमिनार से भला हो जाएगा कि आपको, हम क्या कह रहे हैं, हम तो ज्ञान नहीं बांटेंगे, नॉलेज नहीं बांटेंगे, वी विल क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन द ग्राउंड। तो खाओ आम खाओ। आप जो जिस मोबाइल से बात कर रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी की आपको चिंता क्यों होना चाहिए? आपकी बात अच्छी हो जाए ये प्रॉब्लम होना चाहिए आपको? यू शुड बी हैप्पी। जी 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 तो इसको कहते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। तो जो सीएफबी का एसोसिएटेड बुकी है इट इज ए डिसरप्टिव विजन, और यही कारण है कि इस डिसरप्टिव विजन को हमने विराट स्वरूप कहा है। बड़ा हमने सोच समझ के नाम चुना है। ये विराट स्वरूप कहां से आया? गीता जी से, गीता से आया, राइट? गीता में भगवान किसने क्या कहा कि मैं आपको विराट स्वरूप दिखाता हूं, तुम चाहे बनना चाहते हो मैं क्या हूं, भगवान हूं, तो मैं आपको अपना स्वरूप दिखाता हूं, ठीक है ना, लेकिन इन आंखों से तुम नहीं देख पाओगे तो मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूं। जी। तो हमारा कहना है कि जो सीएफबी का विराट स्वरूप है, आप अपने जो आज की बौद्धिक तार्किकता है उससे आप उसे देख ही नहीं सकते हैं। जी। क्यों? क्योंकि हमने कॉस्ट पर और करेंसी पर दोनों पे विजय पाई है अपने मॉडल के थ्रू, तो उसे अलग आंखों से देखना होगा। तो हम ये कह रहे हैं आप देखने की चिंता क्यों करना चाहते हो? आप तो जमीन पर उतराओ, प्रोडक्ट और सर्विसेज की तरफ यूज करो, खुश रहो। जी 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 राइट राइट। हर चीज कोई दूसरा आपके लिए कर दे क्या दिक्कत है? गाय कोई दूसरा कर दे, पेड़ जो है ना जो है नर्सरी में बढ़ा के आपके यहाँ पे लगाने का काम कोई दूसरा कर दे, राइट? यदि वर्टिकल जो है ना एग्रीकल्चर करना है तो कोई दूसरा करे,
उसमें यदि कोई स्पेशलाइज वर्कर चाहिए तो उनको ट्रेन करके मशीनों के साथ वो जो है ना आपको वहां काम करने पहुंच जाए, तो आपका यदि हर काम कोई दूसरा ही आपको कर जाता है और आपसे पैसे भी नहीं मांगता है और उसके लाभ का जो है ना आपको फायदा मिलता है कि आज आपकी जो है ना 2 साल में ही इनकम 5 गुना बढ़ जाएगी और 10 साल में ये इनकम 100 गुना बढ़ेगी। वी विल बी टचिंग इजिली 100 ट्रिलियन इकोनॉमी। जी आज जो है अमेरिका की इकोनॉमी 90 ट्रिलियन है, राइट राइट। इट मीन्स वी विल बी सरपासिंग इन 10 ईयर अमेरिका। जी और वो इसलिए सरपास करेंगे क्योंकि हम अमृत पैदा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब हम अमृत पैदा करेंगे उनको तो आपको ये ध्यान रखना है कि अमृत पैदा करना है। जहर पैदा करोगे तो आप 100 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच नहीं करोगे। जी जी जी। तो दुष्ट लोगों को अपन को संभालने की, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो है ना वो जल्दी से विष पैदा करके और पैसा कमाने का धंधा ज्यादा लग गया है ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी देवता नहीं है, किसान भी देवता नहीं है, किसान भी दुष्ट है। हाँ हाँ है। किसान जो है जो लेफ्ट राइट एंड सेंटर जो है वो डाल रहा है केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, लेफ्ट राइट एंड सेंटर हार्मोन्स का यूज कर रहा है ना, वेजिटेबल बेचने वाले हैं, कोई बैक्स लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई रंग लगा रहा है, तो सब जो है ना साले यमराजों का जो है ना सब जमावड़ा हो गया है ना। देवता तो कोई भी नहीं है, भगवान तो कोई नहीं है, सब हम सब दुष्ट हैं। यदि हम इस परिकल्पना से आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी दुष्टता से लड़ पाएंगे। जी जी। और उस दुष्टता से लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। जी। क्योंकि यदि आप उसे प्रवचन और ज्ञान से करना चाहेंगे तो सबसे पहली बात तो जो है ना प्रवचन सुनने वालों की संख्या 10% होगी, तो 90% तो आपके बाहर ही चले गए। तो जो 10% है उनमें से अधिकांश लोग अनुपयोगी हो गए हैं, इसलिए वो प्रवचन सुनने जाते हैं, तो उनका यदि ज्ञान बढ़ भी गया तो उससे जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनको भी सर मैं कैसे मोल्ड कर सकता हूँ, उन लोगों को भी मोल्ड करने का कोई तरीका बनना चाहिए। अरे हमारे पास तो सबका तरीका है, जैसे जो है आपके जितने भी जो जिनको आप वृद्धाश्रम में रखे हैं दे विल बिकम योर ग्रेटेस्ट रिसोर्स। जी अरे उनको जिंदगी भर का अनुभव प्राप्त है, नंबर वन। वो आप उनको जो थोड़ी बहुत बीमारियां भी हैं, ये बीमारियां तो वर्तमान सिस्टम ने पैदा की हैं, तो आप उनको स्वस्थ करके यदि आपने उनको 100 साल और खींच दिया तो इतना एक्सपीरियंस आपको 100 साल मिलेगा, वो आपको जल्दी से जो है ना 100 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाने में मदद करेगा। जी जी। एंड देयर ओन क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इम्प्रूव। उन्होंने समझ लिया है कि माँ बच्चों के लिए उनकी जिंदगी है, कोई बच्चों के लिए जिंदगी नहीं है, हर आत्मा की अपनी जिंदगी है, अपनी यात्रा है, और यदि हम इस यात्रा को इस जन्म में पूरा नहीं करेंगे तो हमें बार बार पुनर्जन्म लेना होगा। सर मैंने एक रिसर्च ये देखा कि जिसे जो ज्यादातर रिटायर्ड लोग हैं तमाम विभागों से,